हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा ही कहना, यहाँ पे सब सो रहे हैं। और क्या, सबसे पहले मैं ही उठाऊँ गाइस। तो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक सो रहे तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ पूरा। तो है ना, चलो कुछ नहा धो के फ्री होकर मिलता हूँ। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मैं बाहर आया था गाइस, और देखो यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है गाइस हल्की फुल्की। के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे मम्मा जी की फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। और मम्मा जी एक्साइटेड हो शिव जी के मंदिर जाने के लिए? मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो हम पहले जा रहे हैं कुछ खाने के लिए और उसके बाद जाएंगे मंदिर, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करा ना। चुके यहाँ पे खाना आ चुका है, दाल मखानी, पनीर बटर मसाला, दाल खिचड़ी, मतलब चावल रहे इसके अंदर नॉर्मली, लेकिन पता नहीं कुछ नहीं देते गुजराती। यहाँ पे रोटी आ चुकी है और बाहर साहिब जी की आरती स्टार्ट हो चुकी है, आपको आवाज़ आ रही होगी। खाने को जाए पवन खा रहा है आइसक्रीम और बाकी हम सब पीने वाले चाय। यहाँ पे अपनी चाय आ चुकी है, यहाँ से बढ़िया खा पी के फ्री हो चुके हैं। इस बाहर अभी भी हल्की फुल्की बारिश आ रही है, क्योंकि यही है साहिब जी का मंदिर। मम्मा जी का फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके यहाँ पे है ना, मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मोबाइल मेरे को बाहर ही रख के जाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं मोबाइल और अपने जूते वगैरह सब यहीं पे रखवाने के लिए। मोबाइल यहाँ पे जमा करा रहा हूँ, तो चलो आपको दर्शन के बाद फ्री होके मिलता हूँ। ठीक है भाई, बोल रहा अरे भाई तो बोल रहे कैसे अलग ही अपना हंसने लग जाता है। हरि शरणम नमो साई नाथम, नमो साई नाथम, नमो साई नाथम, नमो साई नाथम। तो गाइस, दर्शन जगह फ्री हो चुके हैं और सच्ची में नेक्स्ट लेवल दर्शन हुए, मज़ा आ गया सच्ची में। और अभी क्या है, मैं यहाँ पे ना जूते वगैरह लेने के लिए आया हूँ, मैंने जूते पहन लिए वापस और बाकी लोग अभी वहीं पे अंदर हमारा वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। मुझे मिल चुके हैं जूते वगैरह, सारे यहीं पर रख दिया। और मम्मा जी और पवन तो शॉपिंग में लग चुके हैं ऐसा लग रहा है। देखिए, ये है मेन मंदिर और यहाँ पे ऐसे टीवी लगे हुए जहाँ पे दिखता रहता है कि अंदर अभी क्या हो रहा है लाइव। मेरे लिए बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मम्मा जी और पवन आ चुके हैं। मम्मा जी पवन ने हमें प्रसाद लिया है। मम्मा जी यहाँ पे दोबारा शॉपिंग में लग चुकी है। पवन अलग ही टॉयज की दुकान में घुस चुका है, आपको दिख ही रहेगा। यहाँ पे भी सब जा रहे हैं द्वारिका माई के अंदर, जिसके आप देख सकते हो। और मैं अभी बाहर हूँ और ये है द्वारिका माई। और चलो, जब तक ये सब जाके आ रहे हैं तब तक मैं आपको द्वारिका माई की कहानी सुना देता हूँ। तो भाई, सीन ऐसा है कि ना, जब से ना मतलब साहब शिरडी में आए थे ना, तो इसी जगह के अंदर रहते थे गाइस। इस जगह को द्वारिका में बोलते हैं, उन्होंने यहीं पर अपना पूरा जीवन गाइस बिताया है। यहाँ पे साहिब जी ने क्या एक है ना, मतलब अग्नि जलाई थी गाइस, तो है ना वो अग्नि आज तक जल रही है और उसके यहाँ पे अखंड ज्योत के नाम से जानते हैं गाइस। और अभी मम्मा जी पापा जी का वेट कर रहा हूँ कि दर्शन करके आएंगे, फिर मैं जाऊँगा, क्योंकि मोबाइल अंदर तक लेना अलाउड नहीं है गाइस। तो बाहर से वीडियो बना रहा हूँ अभी उनकी, भाई जहाँ से बढ़िया दर्शन वगैरह करके फ्री हो चुके हैं। और सच्ची में बहुत मज़ा आया है यहाँ पे, बहुत शांति बड़ी जगह है। और गाइस, यहाँ पे क्या है, पीछे जो है ना म्यूजिक बजा है ना, वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है सच्ची में, आप सुन के देखो। पता नहीं गाइस आपको आवाज आ रही होगी कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। यहाँ पे तो मम्मा जी ने बहुत सही शॉपिंग कर ली। सर, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? अल्टीमेट मजा है ना, बहुत ही शांति से दर्शन होगा यार। शांति से दर्शन हुए, द्वारिका माई शांति से गए और मौसम आप देखो। ओके, यहाँ से पवन ने पता नहीं क्या लिया है, यहाँ से पवन ने बांसुरी और साथ में पता नहीं है भोपू ऐसा कुछ लिया है। ट्रेन की आवाज लग रही है यार, अच्छी क्या बोलूँ यार, मैं जाऊँ नहीं बाबा के साथ। क्यों? हेलो, मुझे और रेस्टोरेंट में आ चुके हम। हमने सबसे पहले मंगवाया है चिली पनीर। मजी कैसा है? टेस्टी है, गर्म है। यहाँ पे मम्मा जी ने मंगवाया साबूदाने का वड़ा। यहाँ पे अभी चाय भी आ चुकी है गाइस, वहाँ से बढ़िया खा पी के फ्री हो चुके हैं। और अभी हम वापस अपने होटल में आ चुके हैं, सब जा रहे हैं लिफ्ट से और मैं जा रहा हूँ सिद्धू से। मम्मा जी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और तब तक पवन और मैं खेलने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पोल खेलने आ चुके हैं, नीचे रख देना, बाद में रख देंगे बस। जो आपको मतलब थोड़ी सूटेबल लगे वो ले सकते हो यहाँ से, स्कोर का ये भी लगा रखा है। और यहाँ पे पवन की फर्स्ट चांस है गाइस, देखते क्या कर पाता है भाई। भी इसे कांच को मार देना,
गए से खेलना तो नहीं आता लेकिन कोशिश फुल करेगा भाई, आंखों में मत मार देना बस। अरे लाली सीरियस, ये क्या था, ये तो चीटिंग है। अबे तब भी कुछ नहीं हो पाया, चीटिंग कर रहा है भाई। भाई शक्ल पे सीरियसनेस तो देखो, लग रहा है बहुत भयंकर प्रो प्लेयर है ये। वाह पवन, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। पवन के हो चुके हैं पूरे पूरे 10 पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो। वेरी नाइस पवन। और मेरे तो सीधा 100 हो गए। अब इस रूम में आ चुके हैं और अलग ही अपने बोपू से खेला जा रहा है। हम यहाँ पे करने लगे थोड़ी देर रेस्ट, तो आपको चलो आप थोड़ी देर मिलते हैं और फिर कहीं पे घूमने जाएंगे। A few moments later, अभी हम सब थोड़ा बहुत रेस्ट करके फ्री हो चुके हैं और अभी मैं अपने कमरे के बाहर वाले सोफे पे बैठा हुआ हूँ और सबके बाहर आने का वेट कर रहा हूँ, फिर हम जाएंगे कहीं पे तो घूमने के लिए। यहाँ से उसे नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं बाहर के। सबसे पहले पवन आया है। और पवन भाई सब बढ़िया? सब आ चुके हैं और हम जा रहे हैं नीचे, बाकी सब लिफ्ट से आ रहे हैं और मैं सीढ़ियों से चल के। इस भारत में मम्मा जी पापा जी का फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए चाय पीने के लिए। कौन जनता भाई केक ले लिया है, चाय आ चुकी है। अभी यहाँ पे हमने लिया क्रीम रोल। इस चाय के बाद अभी हम गन्ने का जूस पीने के लिए आ चुके हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है सच्ची में यार, गर्मियों में सबसे बेस्ट ड्रिंक है मेरे हिसाब से। गाइस कमेंट करके बताना मैंगो शेक या फिर गन्ने का जूस। खंडोवा बाबा जी के मंदिर, मतलब शिव जी को ही कहते हैं बेसिकली, तो है ना ये मंदिर गाइस यहाँ पे साई बाबा जी के टाइम से है और है ना पहली बार साई बाबा जी इसी मंदिर में आए थे। गाइस गाइस हम पहुँच भी गए यहीं पर, हमारे होटल जस्ट सामने का मंदिर है और उतार देते हैं यहीं पर। मंदिर के अंदर आ चुके हैं और भीड़ देख सकते हो यहाँ पे भी है। तो वही सी है मेन मंदिर। वैसे तो ये देखिए पुराने जमाने के सिक्के हैं हमारे साई बाबा जी यहाँ पे, और यहाँ पे गए खंडोवा बाबा जी। खंडोवा बाबा जी के दो शिवलिंग, तो आप भी दर्शन कर लो। तो वही यहाँ पे बहुत सारी मतलब उस टाइम की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, मतलब साई बाबा जी के टाइम के हल्के से बात की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। बढ़िया है, दर्शन करके फ्री हो चुके हैं और हम बाहर आ चुके हैं अभी। तो भाई अभी हम टांगे पे बैठे हैं। ओ भाई बहुत अलग हिल रहा है, अलग एक्सपीरियंस है गाइस। और मैं आगे बैठा हुआ हूँ, बाकी सब पीछे है। और भैया जी क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश नाम है गाइस भैया जी का। क्या बोलते हैं? पप्पू जगताप। पप्पू जगताप बड़ा अच्छा नाम है यार। अरे बहुत तेज हो गया यार, कुछ ज्यादा ही तेज हो गया, डर लग रहा है पगल। गाइस मतलब पता नहीं वीडियो में लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये बहुत तेज चल रहा है सच्ची में। अब आप बहुत घूमे उसमें? वाह यार तो पीछे तो बहुत टेढ़ा है गाइस, पता नहीं वीडियो में लग रहा होगा कि नहीं। यार डरूंगा नहीं क्या? अरे ये तो ये क्या हो? यार गाइस ये तो भगते भगते ही जगह चेंज हो गई। ओके ये भग तो नहीं आएगी ना, ठीक है। यार जा चुके हैं नेचर्स कॉल की वजह से घोड़े को अकेला छोड़ के। जी अगर ये घोड़ा अचानक से भगने लग गया तो आपको डर लगेगा क्यों? भगने से नाटक बजेगा, तो कच्चे बैठेगा। वाह यार मम्मा जी मान गया यार आपको। ये अब वापस आ चुके हैं तो भाई घोड़ा वापस चलने लग गया है। ओ भाई जब अचानक से चलते हैं ना गाइस तो क्या पूरी गाड़ी में झटका सा लग जाता है और अचानक से भगना चालू कर दिया। पीछे से हमने पूछो से मार रहा है, देखो ऐसा था कि जहाँ से मतलब उनने हमें उठाया था ना वहीं पर छोड़ेंगे तो है ना, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पहले उतर गए इस रास्ते से, हमें अभी तक बहुत आगे जाना है। और यहाँ पे हम क्यों उतरे वो भी पापा जी बताएंगे। मैं तो बहुत तेज बारिश आने लग गई है जैसे कि आप देख सकते हो।
मैं यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बिरयानी की शॉप में यहाँ पे पूरा खाना ही मंगवा लिया है और बिरयानी आने में भी टाइम लगेगा। गाइस यहाँ पे आज वेज में है दाल तड़का, सेव की सब्जी गाइस है, कुछ नया मंगवाने का ट्राई करा है। और नॉन वेज में गाइस चिकन आया हुआ है। क्या है बाबा जी? मटन मंगवाया है गाइस। हमने दो तरह की बिरयानी मंगवाई है, एक तो वेज बिरयानी जो आ चुकी है और एक नॉन वेज बिरयानी। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं क्या खास है इस पे। नॉन वेज वाली बिरयानी भी आ चुकी है। तो कि आपको पता ही है कि मम्मा जी और मैं तो वेजिटेरियन है, तो हम वेज वाली खाने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी हो तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म है, सच्ची में बहुत ज़्यादा। और साथ में रायता भी आया गाइस, और टेस्ट नेक्स्ट लेवल है सच्ची में। आप समझ आ रहा है कि ये जगह इतनी फेमस क्यों है। आप देख सकते हो ये भी सीट खाली नहीं है गाइस। यहाँ पे यहाँ से बढ़िया खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं और अब जाके समझ में आ रहा है कि यहाँ की बिरयानी इतनी फेमस क्यों है। और फिलहाल गाइस पापू जी पवन का खाना चल रहा है, हम आए हैं यहाँ पे। भैया क्या बोलते हैं इसे? पेडिक्योर। कराने आया है गगन। अब लेग्स ही बहुत बहुत दर्द लग रहा है गाइस यार। दर्द होता है क्या? हल्का सा बिल्कुल दर्द होता है, होती है। पक्का ना? कौन सी कम काटेगी ये बताओ? कम वाले दोनों काटेगी, ये ज्यादा काटेगी। अरे यार गाइस मछलियों को देख के डर लग रहा है, बहुत पटी बड़ी है। ऐसे मत बनाओ ये बुरा लग रहा है। बढ़िया सब देख के कैसे करना है मतलब? पैर डाल दूं बस? आ गए चिपक गए। एक किलो मत उसके साथ। पक्का नहीं धरूं? दोनों लेग चाटे डाल। आ गए आ गए। अरे यार बहुत डर लग रहा है यार। अरे बहुत तेजी से आ रही है। मुझे बहुत हिल रही है यार, बहुत ज्यादा हिल रही है, गुदगुदी हो रही है। 30 सेकंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली गुदगुदी होती है, बाद में रिलैक्स फील होता है। ठीक है चलो। ब्रेन को एक बार आदत लग गई ना गुदगुदी, तो बाद में गुदगुदी हो गई ना। ठीक है अभी कम है। हाँ ठीक है, अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। आपको देख के कैसा लग रहा है ये पूछ रहा हूँ? खतरों के खिलाड़ी क्या है? अगर देखते ना नीचे तो डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं देखने जाऊँ ना तो ऐसा लग रहा है मसाज चेयर पे बैठे ना, वैसी फीलिंग आती है पैरों में। तो देखता हूँ ना वैसे डर लगने लग जाता है। पवन पापा जी भी आ चुके हैं, मम्मा जी को भी हिम्मत आ चुकी है मेरे को देख के। तो मम्मा जी भी गाइस अब आ रही है। बेस्ट ऑफ लक मम्मा जी। पवन के लिए भी छोटा आदमी छोटा बात करेगा। आंखें बंद करके डायरेक्ट आप खुद डाल दो और ऊपर मत मार देना। आज से आगे मुंबई के ऊपर, मुंबई के पैरों में भी आ चुके हैं। तो वैसे पापा जी में भी हिम्मत आ चुकी है, सब में हिम्मत आ चुकी है मेरे को देख के। मन लग रहा है इतनी जल्दी ज़्यादा हार्ड होती है, नॉर्मल होने लग जाता है। सच्ची बोल रहे भैया, वो तो भी जा रहा है। ये पवन देखना, ये पवन अंदर पैर तलते बाहर रख लेगा। शेर बच्चा है अभी देखते पापा जी कैसा हंस रहे? नहीं अच्छा लग रहा है, बिना बना अंकल की हेल्प के डाल के दिखा दो, आप मान जाऊंगा। ओ भाई हिम्मत आ गई। मछली रेडी हो चुकी है, ये फंस गया सी है। अरे
बस हवा निकल गई। भाई मछली देखो पूरे घुस गए अंदर तक घुस रहे यार। अब मुझे भी काटनी पड़े यार। देखो शर्म नहीं आ रही, हंस रहा है ना, डर लगता है ना। वो पहली बार डर लगता है फिर नॉर्मल हो जाता है। ये देखो गाइस मैंने उसके पैर को जकड़ लिया पहले से कम। हाँ यार लग भी रहा है। देखो भाई पूरा ढक लिया है। वहाँ पे तो मछली भी ज्यादा दिख रही है यार। क्या है आपको, हम सबको देख के तो ऐसा पता नहीं लगा कि कितना डरावना है सच्ची में। आप ये चीज देखो एक मिनट। टाइम सब हो चुका है तो चलो पैर निकालते हैं और निकाल अब निकालते हुए डर लग रहा है। पहले डालते हुए डर लग रहा था, अब निकालते हुए डर लग रहा है। जाने के बाद और अच्छे पानी से साफ कर लो और रात को सोते समय थोड़ा। अरे भाई मछलियां तो ऊपर तक ही आ गई। अरे भाई पवन ये देख सबकी सब एक ही पैर में आ गई है ना। जूते वगैरह पहन रखे मैंने गाइस। करण सा लग रहा है कुछ अजीब सा। हाय हाय यार सच्ची में बहुत बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। अरे ऐसे निकाल लिया धीरे से ऊपर कर। पट्टू अरे वो छोटा पट्टू है निकाल बोन। हाँ निकाल लिया, अब आपकी बारी। वाह इतनी इज्जत से निकाला है, क्या बोलूं यार। सारी मछली ऊपर ही देख रही है। आ जाओ यार मजा आ गया भाई। गाइस मेरा तो एक ही कहना है आपको कि एक बार लाइफ में आप भी ये करके जरूर देखना। आपको पहली बार में डर लगेगा लेकिन फिर जो मजा आता है ना सच्ची में नेक्स्ट लेवल होता है। वो रिलैक्स लग रहा है ना अम्मा जी, बहुत रिलैक्स लग रहा है ना फोन। मम्मा जी यहाँ पे दोबारा शॉपिंग में लग चुकी है और बाकी हम तीनों अलग ही साइड पोस्ट में खड़े हुए हैं। बस जो मम्मा जी शॉपिंग करी वो सामान उठाने के लिए। गाइस हम वापस जा रहे हैं अपने होटल, वो भी चल के। कितनी दूरी होगा मतलब 5 मिनट पहुंच चुके हैं। हम दोबारा आ चुके हैं चाय पीने के लिए। भैया का पूरा बिजनेस हमें बढ़ा रहा है ऐसा लग रहा है। आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे पी रही है कॉफी, यहाँ पे कॉफी ही पी रहा है। फाइनली होटल पहुंच चुके हैं गाइस। अरे लिफ्ट से और हम जा रहे सीढ़ियों से। इसी साथ ना आज के लोग यही पहन करता हूँ। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद हो तो लाइक कर देना। अगर आप चाहे नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम सच्ची बहुत मजे करें, साईं जी के दर्शन वगैरह बहुत अच्छी तरह हुए सच्ची में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।